हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तो बेसिकली अभी भारत जो है वो विश्व की सबसे आबादी वाली देश है। और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जो है, हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी बढ़ रहा है, और जो लगातार एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। मतलब हमारी जो कमाई है वो भी बढ़ रही है, और जो हमारा खर्च है वो भी बढ़ रहा है। अब यूजुअली आप देखिएगा तो भारत देश में ज्यादातर हम विदेश जाना बहुत अमीरों का सोचते थे, बहुत पैसा लग जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा देशों में जा रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो। और इसको ध्यान में रख करके अब हर कंट्री जो है वो भारत के फेवर में पॉलिसी ला रही है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज का किसी के साथ अनबन है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया के अंदर भी और इंडियंस को बुला करके भी। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो उसी रेस में हर कोई लगा हुआ है। हाल ही में थाईलैंड, वो देश है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, आप देखोगे तो थाईलैंड ने बेसिकली भारतीयों को अलाउ किया है कि आप बगैर वीजा के आप भारत में आ सकते हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आप वीजा की जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ पर और आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम उसी लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ईरान भी हो चुका है। ईरान आपको देखने को मिल जाएगा कि जो गल्फ नेशंस हैं उसमें आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, जहां भारत चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, जहां पर बेसिकली हम कहीं ना कहीं आगे उसको कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ में। तो ईरान जो है उन्होंने रिमूव किया वीजा रिक्वायरमेंट भारतीय ट्रैवलर्स के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। ईरान की राजधानी तेहरान है, आप देख सकते हो। तो अब 32 देश उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जहां पर आप देखोगे कि बेसिकली भारत जो भारतीय हैं उनको वीजा की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग जो रशिया है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, जापान है और यूएई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई ये सारे कंट्रीज जो हैं उस लिस्ट में आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाल ही में मलेशिया, श्रीलंका, ये भी कंट्रीज ने भारत को दिया था। तो ये सभी कंट्रीज को ईरान ने दिया है, ये आपको देखने को मिल जाएगा लिस्ट, रशिया, सऊदी अरेबिया, कतर, जापान, यूएई, और इसी लिस्ट में इंडिया भी रहा है। तो इंडिया को ईरान ने दिया है, और यहाँ पे इसके पहले मलेशिया, श्रीलंका और हम थाईलैंड की भी बात कर चुके हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने कहा है कि भाई आपके पास अगर पासपोर्ट है आप अप्लाई करिए, आपको वीजा की जरूरत नहीं है। कई बार कंट्रीज में क्या होता है कि ई वीजा का भी प्रावधान है, ऑन अराइवल भी आपको देखने को मिल जाएगा, या पहले से आप ई वीजा ले सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि वीजा के लिए एम्बेसी में जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, कई बार समय बहुत ज्यादा लग जाता है, कई बार आप देखोगे तो वो काइंड ऑफ इंटरव्यूज लेते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, क्या काम है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो हैरेसमेंट है, और इन चीजों के वजह से कई बार जो ट्रैवलर्स हैं वो नहीं जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन इन चीजों को हटा करके ही ईरान ने बेसिकली देखा है कि जब-जब उन्होंने इस चीज को हटाया है टेंपरेरी बेसिस पे, तो जो टूरिस्ट हैं वो बढ़े हैं। और उसी चीज को यहां पे वापस से ईरान, आपको पता है कि भाई इसको न्यूक्लियर सैंक्शंस, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के बनाने के वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाया है इकोनॉमिक, और इस वजह से कोई भी कंट्री ज्यादातर अब ईरान के साथ में जुड़ना नहीं चाह रही है। तो ईरान अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए भी ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ईरान आप देखोगे तो काफी सुंदर कंट्री है, आबादी भी बहुत कम है। तो यूजुअली जब किसी देश में आबादी नहीं होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होता है ज्यादा, तो अमूमन आप वहां के नेचर को आप एंजॉय कर सकते हो। तो वही पर यहाँ पे आप देखेंगे ईरान भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है, ईरान भी अब भारतीयों को जो है वो दावत दे रहा है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई जो लोग विदेशों में जाकर के शादी करते हैं वो ये ना करें, क्योंकि इससे भारतीय इकोनॉमी को जो है वो सेटबैक मिल रहा है, लॉस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो जबरदस्ती भारत के बाहर ही वो शादी करेंगे, तो टर्की उस लिस्ट में आता है, ईरान भी बेसिकली बाकी लोगों के लिए हो सकता है। तो ईरान का ये जो कदम है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत अच्छी बात है टूरिज्म और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस प्रकार से ईरान में आप देखेंगे ईरान कहां पर लाई करता है। तो हमको विश्व मैप में दिखा देते हैं कि ये आप देखिएगा भारत, भारत के साथ पाकिस्तान यहाँ बॉर्डर साझा कर रहा है, अफगानिस्तान भी कर रहा है, और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा ईरान, और बाकी ये सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ में बॉर्डर साझा कर रहे हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये फिजिकल आप देखोगे ज्योग्राफी, ये हमने बात करा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ के बीच में लाई कर रहा है, ये आप देखिएगा ईरान, इसकी राजधानी है तेहरान, यहाँ पे एल्ब्रुस माउंटेन्स भी है, ऊपर कैस्पियन सी है। ठीक है, अपने आप में सबसे बड़ा ये आपको कहने को मिल जाएगा कि भाई ये नाम कैस्पियन सी है लेकिन सबसे बड़ा ये लेक है, ये लैंडलॉक्ड है पांच कंट्रीज के बीच में। ठीक है, जिसमें आप ट्रिक याद रख सकते हो कि तारीख के नाम से, ठीक है, जिसमें ये ओवरऑल रशिया भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, अजरबैजान भी है, और खुद ईरान है। ज़ाग्रोस माउंटेन्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेक उर्मिया भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिजिकल ज्योग्राफी भी देख सकते हैं ईरान का, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। आप आगे के देखेंगे आर्टिकल्स, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा। और केनिया भी उस लिस्ट में आ चुका है, ईरान, केनिया,
तो इस प्रकार से जो धीरे धीरे देखिए अभी भी बहुत मतलब हमारा जो हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें रैंकिंग जो है वो बहुत अभी सुधार करने की जरूरत है। अभी बहुत सारे कंट्रीज उस लिस्ट में हैं जो कहीं ना कहीं वो होल्ड पे हैं, तो वो धीरे धीरे भारत को एक्सेस देंगे और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑल्दो कहीं ना कहीं ये भारतीयों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और इससे हमारा हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में भी रैंकिंग इंप्रूव होगा। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जो है वो भी आगे जा सकेंगे। दोनों ही देशों के लिए अच्छा होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। देखिए लोगों के बीच में जब कॉन्टैक्ट बढ़ता है तो कई बार कई बातें भी मतलब अनबन भी जो है वो खत्म हो जाती है। इसी के साथ साथ में आप देखो कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और जब मतलब वो मुंह से तारीफ किया जाता है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो आप गूगल पे रिव्यू देखना अलग चीज है और कहीं ना कहीं जो माउथ बेसिकली आप कह सकते हो कि प्रेस किया जाए तो वो एक अलग होता है। तो यूजुअली ये बहुत अच्छी बात रहेगी और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में ये कुल मिलाकर के 33 कंट्रीज हो चुके हैं और यहाँ पर बाकी आप देखेंगे तो ईरान मतलब ने जो दिया उसमें इंडिया सऊदी अरेबिया हमने देखा कि भाई उस लिस्ट में आते हैं, जापान वगैरह भी है। तो बहुत बड़ी बात है कि भारत को वहां पर इन्होंने कंसिडर किया है और अब कई सारे जो कंट्रीज हैं वो इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि जो जो कंट्रीज हैं उस लिस्ट में आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये खैर ओवरऑल था, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को अभी एक्सेस नहीं दिया है। ठीक है, ऑल्दो आप कह सकते हो कि ईरान का पाकिस्तान के साथ मैंने देखा कि भाई बॉर्डर भी साझा करते हैं और दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एक्सेस नहीं दिया है और ये बेसिकली कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को दे दिया है लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया है। तो ये आप कहीं ना कहीं कह सकते हो, वैसे उनको भी शायद पता है कि पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स जाते भी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को कंसिडर भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल आप देखोगे ये दस्ते लूट भी आपको याद रखना है। कई बार सवाल पूछा जाता है दस्ते कबीर, ये सब ईरान में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप मैप ध्यान रखिएगा और ये ओवरऑल हमने इस वीडियो से कवर करने की कोशिश की है। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है बहुत तरीके से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर चाहे पर जहां पर भी हो मतलब हमारा जो डायस्पोरा है इससे वो भी काफी स्ट्रांग होगा और जब डायस्पोरा स्ट्रांग होगा तो ओवरऑल भारत का जो वर्चस्व है ग्लोबल पॉलिसी में वो बहुत इंप्रूव होगा। तो आगे चल करके हम देखते हैं किस प्रकार से चीजें जो है वो और इंप्रूव होंगी, भारत के लिए कितना बेहतर होता चला जाएगा चीजें और जो कुछ भी चैलेंजेस आएंगे वो कहीं ना कहीं देखिए 2024 में चुनाव है तो ये सरकार के लिए भी मेजर अचीवमेंट में से एक है और उम्मीद करते हैं कि आगे हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी बेहतर होती चली जाएगी। जो भी एक दूसरे के साथ में नेशंस में है उसको भी हम सुलझाते हुए चलेंगे। तो ओआईसी में भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं जीसीसी कंट्रीज में भी आप देखोगे तो ओवरऑल गल्फ कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आज भी हम क्लीन एनर्जी पर फोकस तो कर रहे हैं लेकिन इन कंट्रीज के ऊपर हम ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए हमारे सारे देशों के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से। और इस वीडियो को भी हम यहीं पर रखेंगे। बाकी अगर आपको चैनल पर बाकी वीडियोस भी देखना है तो आप देख सकते हैं। यूपीएससी के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और साथ साथ में सीएसआईआर का भी कहीं ना कहीं डिटेल्ड में जो है वो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि भाई एसओ या एएसओ का पोस्ट जो आया है जो अमूमन 10 साल बाद आया है अब कब आएगा नहीं आएगा, तो अगर आप इसको ग्रैब करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी हम डिटेल में कहीं ना कहीं आपको शुरू से लेकर के अंत तक का पढ़ाई जो है वो कराया जाएगा। तो उसमें भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कहीं ना कहीं संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।